नालंदा में बिहार पुलिस अकादमी में 64वीं बैच के 34 पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु ने शपथ लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी मौजूद रहे। डीजीपी जैसे ही बिहार पुलिस अकादमी पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शपथ ग्रहण के पहले प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। सभी प्रशिक्षु उपाधीक्षक ने ईश्वर की शपथ ली। शपथ लेने के दौरान उपाधीक्षक सह परिवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं परेड के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पुलिस अकादमी गूंज उठा। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निदेशक भृगु निवासन भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बिहार पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त सभी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे और बिहार पुलिस अकादमी का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके कार्यों से बिहार पुलिस पूरे देश में नंबर वन पुलिस बन सकेगी। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के अभिभावक को भी धन्यवाद दिया। डीजीपी ने सभी उपाधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम में बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षुओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, योग, भांगड़ा, कराटे, बाइक स्टंट के माध्यम से तरह तरह का मैसेज दिया गया। बैच के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें अवंतिका, दिलीप कुमार को मुख्यमंत्री का रिवाल्वर, राजन कुमार को पुलिस महानिदेशक का रैतिक बैटन, अजीत कुमार को रैतिक तलवार और जया कुमारी को सर्वश्रेष्ठ परेड कमांडर से पुरस्कृत किया गया। ये आपके अंदर एक संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। कुछ चीजें जो बहुत से यंग अफसर सोचते रहते हैं, मैं समझता हूं कि उसको आप ध्यान में रखेंगे। पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेके बहुत सारी यंगस्टर में वो रहती है कि किसी को अच्छी पोस्टिंग मिली, किसी को खराब पोस्टिंग मिली। इस वाले इस सोच को आगे नहीं, सोच अच्छी नहीं है। अच्छी बुरी पोस्टिंग सबको मिलती है। कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं होता जिसको खराब पोस्टिंग नहीं मिलती, और कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं होता जिसको हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलती। जो पोस्टिंग मिले उसको लीजिए और काम करिए। बहुत सारी कुरीतियां, कमियां शुरू होती हैं पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर। हमको लगता है ये अच्छी पोस्टिंग ही हमको मिलनी चाहिए। समाज में घर वालों को कई बार बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो पुत्र है, सुपुत्री है, वो फलानी जगह पे लगी हुई है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या कर रही है जहाँ लगे हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप देखते रहेंगे जीवन में, आप आगे ही बढ़ेंगे, अच्छे स्थानों पे भी जाएंगे, आपको खोज के लाया जाएगा। आप जो काम करने वाला आदमी है उसको खोज के जगह दी जाती है, वो किसी के पीछे नहीं जाता है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए। नागरिकों से, आम लोगों से हमेशा सहजता से मिले, उसकी बात सुने। सारी पुलिसिंग अगर इफेक्टिव है तो वो दो ही चीजों का है, न्याय और जनसेवा। अगर आप इन दो चीजों को संवेदनशील हैं और लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं न्याय के थ्रू, तो आपका जीवन जो है एज ए पुलिस ऑफिसर वो सफल रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं। और बिहार पुलिस अकेडमी के लिए भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। बिहार पुलिस अकेडमी अब जो पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ अकेडमियों में इसकी गिनती होने लगी है, ये बहुत ही बधाई का पात्र है सभी टीम का। जो यहाँ की डायरेक्टर बीपीए के अंदर जितनी टीम है, उन्होंने इस मेहनत से इसको जहाँ पहुँचाया है, अब इसका अगला लक्ष्य आप रखें, भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी कैसे बनना है, उसकी रूपरेखा तैयार करिए और उस रोड मैप को हमारे पास लेके आइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छे पदाधिकारी, ट्रेनर और साधन जो भी आवश्यक हों, इस संस्थान को हम भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी बनाने का प्रयास करेंगे।